हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने चेहरे के अनचाहे बालों को बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने अनचाहे बालों को बार बार दूर कराते हैं पर वो फिर से आ जाते हैं? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसको यूज करने के बाद अनचाहे बाल बिल्कुल दूर हो जाएंगे और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। इस नुस्खे को केवल आपको 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पर लगाना है जहाँ पर भी आपके अनचाहे बाल हैं, और 15 मिनट बाद आपके अनचाहे बाल बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल जड़ से उतर जाएंगे। आप इस नुस्खे से अपने पैर के, अपने हाथों के, अपने चेहरे के, अपने अपर लिप्स के, कहीं के भी अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। और ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा इजी हो, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये सच में वर्क करता है। आप इसको जरूर करके देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। आपको यहाँ पे सबसे पहले एक पैन लेना है और फिर आपको आधी कटोरी के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। और अब हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। फ्रेंड्स, मिल्क जो होता है वो अनचाहे बालों को जल्दी रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करता है। तो 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आपको यहाँ पे लेनी है शुगर यानी कि चीनी। फ्रेंड्स, चीनी का भी हमने बहुत बार यूज किया है अपने अनचाहे बालों को दूर करने के लिए, ये जड़ से रिमूव कर देती है। तो हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे। तो 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ले ली है। और अब हम यहाँ पे लेंगे आधी चम्मच के करीब टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब आपको इसे मंदी आंच पे अच्छे से पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल मंदी आंच पे पका रही हूँ। धीरे धीरे आपको इसे पकाना है, चलाते चलाते आपको इसे अच्छे से पकाना है। इसकी चीनी अच्छे से घुल जाए आपको तब तक इसे पकाना है। तो मैं इसको पकने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक चुका है, इसकी चीनी भी बिल्कुल घुल गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब आपको यहाँ पे क्लीन बाउल लेना है और ये पानी इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, जो कि सबसे मेन चीज है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर इतना ऐड करेंगे जितने में इसका एक स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो धीरे धीरे आप ऐड कीजिए। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है। आपके जहां पर भी अनचाहे बाल हैं, आपके पूरे चेहरे पे, आपके अपर लिप्स पर, आपको इसे अच्छे से वहां पे यूज अप्लाई करना है। ये सच में बहुत अच्छा वर्क करती है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट के लिए इसको या फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपको आपको अनचाहे बालों की उल्टी डायरेक्शन में इसको रिमूव करना है। पहले आपको रिमूव करना है, उसके बाद आप अपने हाथ को या चेहरे को वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि जहां पर आपने अप्लाई किया था वहां से अनचाहे बाल बिल्कुल दूर हो गए हैं और स्किन भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। यकीन मानिए, बिल्कुल आजमाई हुई रेमेडी है, 100% ये वर्क करती है। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए। फ्रेंड्स, ये सच में बहुत अच्छा वर्क करती है, आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।